अलैकुम रहमतुल्लाह। हम आपको मस्जिद नबी सीरीज़ के एपिसोड 4 में वेलकम करते हैं। हम इस टाइम पे मस्जिद नबी के नॉर्थ वेस्ट में खड़े हुए हैं, वो मस्जिद नबी है। और आज हम आपको 3 मस्जिदें, मस्जिद गमामा, मस्जिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु और मस्जिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ियारत करवाएँगे। इन तीनों की अपनी खसूसियात हैं। मस्जिद गमामा जो मेरे सामने है, इसकी खसूसियत ये है कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये आखिरी जगह जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ईदें पढ़ी थी, और एक दफ़ा ईद की और एक दफ़ा बारिश की दुआ के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की थी। इस जगह को फिर बाद में सऊदी प्रिंस उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ साहब ने इसको रिस्टोर और मेंटेन किया था। और ये हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद है, जो कि जिसकी खसूसियत मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मॉस्क इन अल मुसल्ला एरिया। इट इज़ ऑल्सो नेम्ड ड्यूरिंग हिज कैलिफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु performed Eid prayer in this area where the masjid now stands, following the Prophet, peace be upon him's tradition. The masjid was likely built for the first time during the Umayyad era when Umar bin Abdul Aziz ruled Medina in 87 to 93 Hijri, ya kya jo bhi hai. Ye Hazrat Ali radhiyallahu anhu masjid hai, Masjid Ali radhiyallahu anhu, aur iske fazail. ये मस्जिद अली इब्न अबी तालिब है और वो थोड़ी दूर थी, तो इसलिए अभी हम नहीं जा सके। इसके इन दोनों के फ़ायदे नहीं पता है। ज़ाहिर है हमारे सहाबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो के इल्म की कुंजी हैं, उनके नाम पे बनाई गई है ये मस्जिद। और अभी फ़िलहाल हम साइन ऑफ करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, और हो सकता है हम आपको अगली वीडियो में कुबा और या फिर कोई और ज़ियारत करवाएं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरे दादा मिस्टर सुल्तान अहमद का जो चैनल है वॉइस ऑफ विलेजेस, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसको सब्सक्राइब किए बगैर आप अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आप मेरे दोस्त नहीं हैं, आप मेरे दादा के भी दोस्त नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।